दोस्तों, जब हम नया बिल्कुल ब्रांडेड फोन लेकर आते हैं तो उस वक्त हमारे फोन के स्पीकर से बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का साउंड निकलता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा फोन पुराना होते जाता है वैसे वैसे हमारे फोन के स्पीकर का जो साउंड है वो दब जाता है, काफी धीमी गति से जो है वो साउंड निकलता है। तो अगर आपके भी फोन के साथ ऐसा हुआ है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो ट्रिक बताऊंगा जिसे अगर आप अपने फोन के अंदर कर लोगे तो आपके फोन का जो स्पीकर का साउंड है वो 500 गुना तक तेज हो जाएगा। जब आप अपना नया फोन लिए थे उस वक्त जितना साउंड निकल रहा था ना, उससे भी दुगना तिगना साउंड आपके फोन के स्पीकर से निकलने लगेगा। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में नाइस ऑसम या फिर अपना नाम भी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फोन के स्पीकर को साफ करना होगा। जी हाँ, आपको अपने फोन को खोलना नहीं है, आपके फोन को मतलब कि कहीं दुकान वगैरह पर नहीं देना है, मैं आपको जो बता रहा हूं उसे आपको करना है, ठीक है। यहां पर आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आसानी से अपने फोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जैसे आप इसे ओपन करोगे यहाँ पर क्लीन स्पीकर का नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपने फोन का जो वॉल्यूम है वो आपको फुल कर देना होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि आपके फोन के जिस साइड स्पीकर है, मेरे फोन के पीछे यहाँ पर स्पीकर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने फोन को इस तरह से खड़ा कर रखूंगा, ठीक है, तभी जो है वो हमारे फोन के स्पीकर में जो डस्ट होगा, जो पानी चला गया होगा, पसीना वगैरह, वो सब बाहर निकल जाएगा। अगर आपके फोन के इस साइड स्पीकर है तो आपको इस तरह से रखना होगा, अगर आपके फोन के पीछे स्पीकर है तो ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरह से आपको जो फ्लैट कर रखना होगा। तो ये क्या करता है कि हमारे स्पीकर से अलग अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी निकालता है, वाइब्रेट करता है हमारा हल्का फोन, जिससे कि जो भी हमारे फोन के स्पीकर में डस्ट जमा गया है वो सब बाहर निकल जाता है। यहां पर क्लीनिंग लिख रहा है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी के अनुसार जो है वो सारा जो है वो हमारे फोन के स्पीकर से डस्ट निकाल देता है। आपको अपने फोन को खोलने की जरूरत नहीं है, फोन को खोलकर स्पीकर साफ करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ये एप्लीकेशन ही आपके फोन के अंदर कर देता है, ठीक है। तो यहां पर ये कंप्लीट होने तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा फोन का स्पीकर बिल्कुल साफ हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल नया तो जैसा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये कंप्लीट हो गया, और यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यहां पर जो है वो रीस्टार्ट और यस। तो इस आपको क्या करना है, रीस्टार्ट करना है, क्योंकि आपको 2 से 3 हाली करना होगा, ठीक है। 2 से 3 बार आप कर दोगे तो आपका जो फोन का स्पीकर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हो गया है तो यस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, दूसरा ट्रिक आपको अपने फोन में क्या लगाना है जिससे कि आपके फोन का जो नया साउंड निकल रहा था नया नया में, उससे भी तेज साउंड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा, जो कि इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आसानी से आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लोगे। और उसके बाद यहां पर आपको जो एक सेटिंग का आइकन दिखेगा, बस आपको इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है और आ जाना है सेटिंग्स में। और सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, आपको क्या करना है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट पर आपको क्लिक करना है, और ये पहले से आपके फोन में 80% पे होगा, ठीक है, यहां पर जो है वो 80% पे रहता है, तो आपको क्या करना है आपको 60% पर आपको सेट करना होगा। 60% जब आप कर दोगे तो सिंपल बैक करेंगे, और बैक करने के बाद ये जो है वो ऊपर में वॉल्यूम है हमारे फोन का, जो मेन वॉल्यूम होता है वो हमारे फोन का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और उसके नीचे जो आप देख रहे हो यहां पर जो लिखा हुआ है बूस्ट, इसे आपको जो है वो चेक करना होगा। सबसे पहले आप अपने फोन में किसी भी सॉन्ग को प्ले कर लो, ठीक है, कोई भी गाना बजा लो, और उसके बाद आप इसे बढ़ा बढ़ा कर देखो, पहले आप 20% पर कर देखो, अगर आपके फोन के स्पीकर से साउंड 20% में अच्छा आने लगा है तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो 30% कर देखो, ठीक है, 30% में भी अच्छा नहीं आ रहा है तो 40 कर देखो, और 50 कर देखो, 60 कर देना, लास्ट यहां पर 60 तक आप कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है, उससे ज्यादा कर दोगे, 60% से ज्यादा कर दोगे तो आपके फोन का स्पीकर जो वो फटकर हाथ में आ जाएगा, मतलब कि आपका फोन का स्पीकर फट जाएगा, और मतलब कि पहले से ही बदतर साउंड आने लगेगा। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसे 40 से 50 तक रखना, आपका जो फोन का साउंड है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का निकलेगा। तो यही दो सेटिंग आप अपने फोन में बस कर लो, उसके बाद आपका फोन का जो साउंड है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक काफी अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।